किस तरीके का मैसेज है? देखिए, अलीगढ़ क्षेत्र के लोकल टैलेंट को मौका मिल रहा है एक्सप्लोर करने का, अलीगढ़ शहर एक्सप्लोर हो रहा है, यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर हो रहा है, ये यहाँ का जो कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग इस तरह के काम से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, तो यहाँ के लोगों में उत्साह बहुत दिख रहा है। उत्साह, जब तक इंसान के अंदर उत्साह होता है तो बहुत ईमानदारी से पेश आता है आपके साथ। जो कॉपरेशन हो, हम किसी भी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, मार्केट का हो या मॉल का हो या स्कूल कॉलेज कहीं कर भी हो, तो सबका आगे बढ़ चढ़ के जो एक प्रोत्साहन के साथ जो हमें कॉपरेशन मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। क्या अलीगढ़ को इससे रोज़गार मिलेगा? अलीगढ़ को बिल्कुल रोज़गार मिलेगा इससे, और मिल भी रहा है। अब आप देखिए, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अलीगढ़ के सैकड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व है, अभिनेता के तौर पे इन्वॉल्व है बहुत सारे लोग शूटिंग करवाने में हमें मदद कर रहे हैं, लोकेशन दिलवाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ के प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है, सपोर्ट है। यहाँ जो हमारे जूनियर कलाकार आर्टिस्ट लगते हैं, डेली 500 अभिनेताओं को काम मिल रहा है, तो रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भविष्य में भी खुलेंगी। सर, यहाँ जिस तरीके से आप लोगों की शूटिंग चल रही है और इसको लेकर के अलीगढ़ में जो शूटिंग कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ अलीगढ़ के क्या मुख्य इसमें मुद्दे उठाए हैं, इसमें किस तरीके के आप? देखिए, मुद्दा कभी भी क्षेत्र का नहीं होता है, ठीक है, मुद्दा हमेशा सोसाइटी का होता है, ठीक है, और सोसाइटी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वो हमारा कोई शहर हो, बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो। जो इसमें मुद्दा उठाया गया है, एडुकेशन के नाम पे जो फ्रॉड होता है या माता पिता की जो वांटिंग होती है, जैसे कि डायरेक्टर संतोष शिवम जी ने अभी बताया है कि कई बारी स्टडी जब हमारी चल रही होती है तो हमारी लाइफ में बहुत तरह के मिसगाइडेंस होते हैं और हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, हम बहुत सारे फ्रॉड में फंस जाते हैं, कई बार ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है। बहुत सारे, जैसे कि बहुत बड़े हब है, कोटा हो गया, दिल्ली का मुखर्जी नगर हो गया, और तमाम और शहर जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन होती है या गाइडेंस होता है, उनको मिसगाइड करके कई बार कितना ठगा जाता है। तो उससे, क्योंकि हर कोई पेरेंट उतना सक्षम नहीं होता है कि लाखों रुपया शिक्षा पे खर्च कर देना कोई छोटी बात नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से छोटे गांव, टाउन, कस्बों और शहरों से बच्चे आते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा जिनके साथ वो फ्रॉड हो जाता है और उनके बाद में फिर वो लोग आगे की अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर के और ज़िंदगी को ही समाप्त कर लेते हैं, क्या कहेंगे? अवेयर रहें, सतर्क रहें, अपने लोगों पे विश्वास करें। अगर मन में कोई इस तरह का विचार आ रहा है या किसी व्यक्ति विशेष पे आपको विश्वास की कमी खल रही है, आप भरोसा जताने के लायक आपको नहीं लग रहा है, तो उनके पेरेंट को उनके साथ फ्रेंडली और ओपन रहना चाहिए, क्योंकि स्टडी की एज में बहुत सेंसिटिव मोमेंट्स हमारे आते हैं उसमें, क्योंकि हमारे साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे हम उम्र होते हैं, तो भी हमें अपने स्तर पे समझाते हैं, लेकिन शायद उतना नहीं समझा पाते जितना हमारे बड़े भाई बहन या हमारे अध्यापक या हमारे गुरुजन या माँ बाप समझाते हैं। तो हम रिश्तों में हमें ट्रांसपेरेंसी और भरोसा रखना चाहिए। माँ बाप जी, सर क्या कहेंगे जिस तरीके से माँ बाप जो है अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं? माँ बाप के लिए मैं यही कहूँगा, फोकस काफ़ी रहता है कि हमारी लड़की जवान हो रही है, दामाद सरकारी मिले, वो उस कोशिश में भी अपना काफ़ी कुछ लुटा देते हैं कि हमारा बेटा भी, अक्ल को अगर किसी का दामाद हो तो उनको भी सरकारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी करने वाला ही बहुत बड़ा हुनरबाज होता है, स्किल्ड होता है, बहुत सारा वर्ग, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है, क्योंकि जब भी देखिए अगर हम ग्लोबल दृष्टि से देखेंगे तो हिंदुस्तान एक शहर, एक विलेज की तरह नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर जो पढ़ा लिखा युवा है, जो यूथ की पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से ज़्यादा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में पैकेज पे जो काम कर रहे हैं, जो अपने स्मॉल बिजनेसेस चला रहे हैं, तो बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वालों से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा डिजर्विंग है। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अगर सरकारी नौकरी है, चाहे वो किसी ग्रेड की हो, ए ग्रेड की हो, बी की हो, डी की हो, जी बस सरकारी नौकरी है, बच्चे के दामाद बनाने से पहले कई तरह की नकारात्मक चीज़ें उसमें, कितने ऐब है, वो शराब पीता है, वो बदतमीज़ी करता है, वो घर में शादी के बाद मारपीट करता है, तो सारी नज़रअंदाज करके उसको गांव घरों में सलाह दी जाती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब ठीक हो जाएगा वाला कॉन्सेप्ट पे हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए,
और ये जो कि सरकार ही सब कुछ है, क्योंकि आप विश्वास रखो अगर आप प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, आप शिद्दत से ईमानदारी से कीजिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो ईमानदार होता है होता है, जो बदमाश लफंगा होता है उसको सरकारी नौकरी दे दो, प्राइवेट बिजनेस दे दो, वो वैसा ही करेगा जैसी उसकी परवरिश होगी।